କେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ନିର୍ଧୁମ ନାଚୁଥିଲା ପାଦ, ତ କେତେବେଳେ ଅଭିନୟରେ ଜିଣୁଥିଲା ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟ। ହେଲେ ଆଜି ମୌନ ପାଲଟିଛି ମତୁଆଲା ମନ, ଥକି ଯାଇଛି ଅଥୟ ପାଦ। ଅଭିନୟର ଆଖିରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଅଭିମାନର ଲୁହ। ଦିନେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କରତାଳି ଶୁଣୁଥିବା କୁନି ଝିଅ ଏବେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଖେଳନା ଭିତରେ ଖୁସି ଖୋଜୁଥିବା ଏ ଝିଅ ହେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଆରିଫା ଫତିମା, ବୟସ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ବନିବି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ହେଲେ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ କଅଁଳ ଦେହକୁ ଛୁଇଁଥିବା ରୋଗ ଆରିଫାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। 2ଟି କିଡ୍ନୀ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରତିରୋପଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଶୁଣନ୍ତୁ କଅଁଳ କହୁଛି ଏହି କୁନି ଝିଅ। ଡକ୍ଟର ବନକେ ମେ लोगों का डायलिसिस होने से बंद कराना चाहते हैं, मतलब इसके साथ ना गुजरना पड़े, ऐसे सिचुएशन ना हो कि उनको इतनी तकलीफ ना हो। पढ़ती हूँ लेकिन इस बीमारी की वजह से हम रेगुलरली हर दिन नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि मैं ठीक थी तो बारिश में रोज नहा के डांस मोबाइल में लगाती थी, बारिश में जैसे वाटर गाने होते हैं वो करती थी। तो पापा बाहर रहते थे आउट ऑफ इंडिया, तो उनको भेजती थी मामा। मेरा सपना है मैं बारिश में फिर से नहा पाऊँ। छोटी बच्ची है, कहीं बाहर का खाने मांगती, ये मांगती, हम लोग को बहुत मुश्किल से इसको मैनेज करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। और डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि ट्रांसप्लांट करो तो बच्ची नॉर्मल अपनी लाइफ में आएगी, लेकिन उसके लिए कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग मैनेज करके भी नहीं कर पा रहे हैं बहुत कोशिश करके, तो ये सोचते कि थोड़ा गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प होती तो शायद हम कर पाते कुछ। पादरे घुंगुर बांधी कथक नाचुथबा आरिफा एबे केवल स्वप्न देखुछि। तयारी होइथिबा पोशाकु देखि लुह गडाउछि। सुंदरगढ़ सरकारी चिकित्सालय आरिफा चिकित्सा चलता बेले सप्ताह को 2ରୁ 3 ଥର डायलिसिस चली। किडनी प्रत्यारोपण करने को 12ରୁ 14 ଲକ୍ଷ टंका दरकार। पाखरे एते टंका नथिबारु सहायता मागुछंती बापा मा। 2.5 साल हो गया है इसको, जब हम लोग को 2.5 साल पहले पता चला है इसका किडनी के बारे में, और 2.5 साल से ही डायलिसिस हो रहा है इसका। तो इसका ऑप्शन ही है, बता रहे हैं कि ट्रांसप्लांट कराइए आप, यही ऑप्शन। ट्रांसप्लांट कराने का खर्चा तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए 10 से 12 लाख रुपया जो है वो जस्ट ट्रांसप्लांट का हो जाएगा। जीवन रो वास्तवता को बुझी नथिबा झियो एबे भरोसा रखिछि पूणी से नाचिबो आउ पाठ पढ़िबो। सुंदरगढ़ रु विजय बरुआ रिपोर्ट, नंदीघोष टीवी।